हेलो दोस्तों, आपके मैंने बता चुके हैं, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम लोग एक और कॉन्टेस्ट खेलने वाले हैं और देखने वाले हैं कि हमारा ये डिज़ाइन अप्रूव होता है नहीं होता। कल जो हमने सबमिशन की थी वो अप्रूव हो चुकी है और आज हम लोग एक और कॉन्टेस्ट देखेंगे, खेलेंगे। और सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। कल की वीडियो के अंदर जो हमने कॉन्टेस्ट खेला था, ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पर। वो एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, एक यहाँ पर एक्सेप्ट हो गया और इन्होंने अच्छा एलिमिनेट भी कर दिया है। तो खैर, एलिमिनेट का मसला नहीं है, हमारी सबमिशन जो है वो एक्सेप्ट होनी चाहिए डिजाइन क्राउड की टीम की तरफ से। जब एक्सेप्ट होती है तो आपके पास एक ईमेल आती है इस तरह की कि आपका डिजाइन जो है वो एक्सेप्ट हो गया है। तो हमें मजीद तीन, या मतलब तीन से पांच होते हैं ना, तो अगर तीन के अंदर अप्रूव कर दिए तो दो डिजाइन रिक्वायर्ड होंगे, और अगर हमारा डिजाइन पांच के अंदर अप्रूव हुआ तो मतलब चार रिक्वायर्ड होंगे। हो सकता है इससे ज्यादा भी लग जाए, लेकिन हमारा एक डिजाइन एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर हम लोग एक और कॉन्टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये मैंने कॉन्टेस्ट खोल के रखा हुआ है, इसकी ब्रीफ पढ़ लेते हैं। लुकिंग फॉर अ रीडिजाइन ऑफ अवर करंट लोगो टू क्लीन अप एंड इनकॉर्पोरेट एन एलिमेंट फ्रॉम अवर पेरेंट कंपनी द ट्राइंगल फ्रॉम लवली वेडिंग लोगो। ठीक है, लवली वेडिंग लोगो जो है वो ये है। ठीक है, इसके अंदर से इनको ट्राइंगल चाहिए। वी लाइक इट टू बी कलरफुल, क्रिएटिव एंड फन। ठीक है, वी आर अ कंपनी दैट ऑफर्स वेडिंग सेरेमनीज एट अनयूजुअल लोकेशन, नो चीजी वेडिंग इमेजरी प्लीज। ठीक है, उस तरह की इमेजरी वगैरह कुछ भी नहीं, और वी वुड लाइक इट टू बी मोस्टली टेक्स्ट बेस्ड एंड ईजियर टू रीड दैन इट इज नाउ। ठीक है, इनका जो अभी लोगो है वो ये है, इसके पीछे ज्यादा इन्होंने वो लगाया हुआ है, नियॉन सा इफेक्ट दिया हुआ है, और टैक्स भी जो है वो इसके अंदर इफेक्ट्स है इसका जो गोल्ड का होता है वो डाला हुआ है। ठीक है, तो ये बोल रहा है थोड़ा इजियर टू रीड भी हो, ठीक है, और सिंपल सा हो, टैक्स बेस्ड और ट्राइंगल लगा हो। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है, करंटली वी हैव ट्रबल प्रिंटिंग इट ऑन एनीथिंग अदर देन वाइट। ठीक है, क्यों प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है इन्होंने पीछे ग्लो दिया हुआ है, जब वो प्रिंट करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो अच्छा नीचे चेक कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें, ट्राइंगल एंड अ फन वाइप। ठीक है, ट्राइंगल लगाना है और फन वाइप। आई वुड लाइक टू सी कलर्स फन एंड आउट ऑफ द बॉक्स मॉडर्न डिजाइन मिनिमल स्क्रिप्ट। ठीक है, स्क्रिप्ट फॉन्ट्स बहुत ही ज्यादा मिनिमल यूज करने हैं पॉपअप वेडिंग से। इसने फॉन्ट के अंदर स्टाइल दिए हैं सेंस सेरिफ और सेरिफ हालांकि, ठीक है, लेकिन अगर मामूली सा, क्योंकि अच्छा यहाँ पे इसने लिखा हुआ है नीचे वेडिंग आइकन्स वेडिंग सिरिलिक फॉन्ट्स ये यूज नहीं करने। ठीक है, तो ज्यादा स्क्रिप्ट टाइप के होते हैं ना, बहुत ज्यादा सिरिल से होते हैं इस तरह के, तो वो यूज नहीं करने, बिल्कुल मिनिमल सा अगर आप स्क्रिप्ट फॉन्ट यूज करना चाहो तो कर लो। तो हम इसका यहाँ से पॉपअप वेडिंग लेते हैं, ठीक है, अपने आर्टबोर्ड पे आके और न्यू आर्टबोर्ड हमने क्रिएट कर लिया इलस्ट्रेटर में आके। ठीक है, यहाँ पे हमने पॉपअप वेडिंग पेस्ट किया, कंट्रोल वी प्रेस करके आ जा। ठीक है, आके ये, और हमने क्या किया, इसका टैग पॉपअप को सिलेक्ट करके कट किया और ऊपर रखा, वेडिंग को हमने नीचे रख दिया। अब मैं फॉन्ट यहाँ पे कौन सा चूज करूंगा, अगर तो मैं सिंजल यूज कर लेता हूँ ऊपर वाले के लिए, ठीक है, और नीचे वाले के लिए मैं ले लेता हूँ यहाँ से मिनिमल सा कोई सिग्नेचर स्टाइल में, ज्यादा स्क्रिप्ट टाइप का भी ना लगे, सिंपल सा लगे, मिनिमल सा, ये मुझे अच्छा लग रहा है। ज्यादा स्क्रिप्ट का मतलब ये, वो जो कह रहा था ना, वो इस कैटेगरी में कह रहा था कि ज्यादा वो ना हो रहा हो, ये जो आगे सुरु सुरु से आ रहे हैं ना, या इससे भी ज्यादा बहुत सारे कहीं कहीं होते हैं, तो हम आई थिंक मिनिमल सा है, लेकिन लाइट वेट बहुत ज्यादा ना हो जाए, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये कुछ बेटर लग रहा है मुझे। कंट्रोल शिफ्ट होकर के हमने इसको एक्सपेंड कर दिया हल्का सा, हम क्या करेंगे, पतला है तो हमने इसको स्ट्रोक दे देते हैं ताकि ये जब छोटा करें तो प्रॉब्लम ना करे। इसको एक्सपेंड कर दिया, यूनाइट कर दिया, ठीक है, छोटा करके हम नीचे रख देते हैं इसको, वेडिंग को नहीं, ये ज़्यादा छोटे के अंदर देखें, ई खराब हो रहा है, फिर वो कहीं इशू ना हो, उसको हम अंडू कर रहे हैं। ठीक है, फॉन्ट चॉइस करना भी बड़ा एक मुश्किल काम है, ठीक है, सारा खेल ही इसी का है। ये वाला भी चल सकता है, आई थिंक ये सही रहेगा, थोड़ा बोल्ड भी है, छोटे के अंदर भी दिख जाएगा, ज़्यादा सिरली भी नहीं है। ठीक है, तो हमने इसको नीचे रखा है इस तरह से, इनके बीच में अगर स्पेस ख़त्म कर दें हम, इस तरह से भी चल सकता है,
ठीक है, सेंटर अलाइन थोड़ा से सिर्फ कर रहा हूँ, सेंटर अलाइन करने के बाद भी, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसकी वजह से वो सेंटर अलाइन नहीं लग रहा था मुझे, अब सही लग रहा है। और यहाँ से मैं ले लेता हूँ पॉलीगॉन टूल, क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ, और नीचे वाली डाउनवर्ड एरो की से इसके ट्राइंगल की साइड्स कम कर दी, ट्राइंगल लगाया हमने और इसको सेंटर अलाइन किया। अच्छा जी, इसको हमने थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं। ये सी के अंदर, हाँ इसके अंदर कर देते हैं सब चीज़ें। ओके हो गया, थोड़ा सा इसको स्ट्रोक किया, इतना इससे ज़्यादा नहीं देना, इससे कम नहीं देना, ज़्यादा दे देंगे तो फिर अजीब लगेगा। बिल्कुल फॉन्ट के हिसाब से आपने इसको मैनेज करते हुए, एक आपने ट्रायंगल लगाया यहाँ पर, ठीक है ट्रायंगल वैसे होता है इक्वल साइड्स के, लेकिन हमने थोड़ा सा इसको खराब कर दिया, लेकिन खैर चलता है। एक लाइन हमने यहाँ पर लगाई और एक लाइन हमने यहाँ पर लगा दी, ठीक है दोनों को सिलेक्ट किया, इसके साथ ट्रायंगल के साथ सिलेक्ट किया हमने, और शेप बिल्डर टूल से हमने इसको निकाल दिया, ठीक है इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया डिलीट, ठीक है जी। तो लोगो रेडी हो गया है, इसके अंदर से अब हम एक चीज़ कर लेते हैं, कलर्स ये कह रहा था फन टाइप के कलरफुल सा हो, तो वेडिंग के लोगों के अंदर इसके जो कलर्स हैं वो क्या है, गोल्ड और पिंक हैं, इसके अंदर भी गोल्ड है, गोल्ड का यूज़ तो करते हैं हम, साथ साथ में पिंक का कर लेते हैं, जरा का कर लेते हैं कुछ, ठीक है पिंक का अगर हम, हाँ ग्रेडियंट नहीं दे रहे इसके अंदर, पिंक का ग्रेडियंट नहीं दे रहे, गोल्ड के अंदर हम कर सकते हैं, मैंने गोल्ड का ग्रेडियंट बना के रखा हुआ है। ठीक है ये रहा हमारे पास ग्रेडियंट, यहाँ से हमने कॉपी किया, यहाँ लेकर आया है, ठीक है जी, और वेडिंग को हम गोल्ड कलर कर देंगे यहाँ से आई ड्रॉपर से, ठीक है अगर हम इसको भी ट्रायंगल को भी गोल्ड दे दें अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा, नहीं पिंक सही लग रहा था आई थिंक, सिर्फ वेडिंग को हम वो दे रहे हैं, ठीक है और इसको डिलीट कर दिया हमने, तो फन सी वाइब थोड़ी सी मिसिंग हो रही है, कलरफुल इसको और कैसे कर सकते हैं, ग्रेडियंट देंगे फिर ग्रेडियंट, अभी मैं चाह रहा हूँ इसको जितना ज़्यादा सिंपल से सिंपल रखा जाए, क्योंकि कल वाला लोगो भी हमने बिल्कुल सिंपल बनाया था, ठीक है ज़्यादा इसमें डिटेलिंग देंगे कुछ और चीज़ करेंगे तो वो ब्रीफ से हट के कुछ कर लेंगे, तो हो सकता है डिज़ाइन एक्सेप्ट ना हो, ठीक है यहाँ पे हमने कितना सिंपल सा रखा था इसको, ना कोई ज़्यादा कलर्स दिए थे, इस तरह से बिल्कुल पिंक के अंदर रखा ब्लैक और व्हाइट के ऊपर, तो एक्सेप्ट हो गया था, तो इसको भी हम उसकी ब्रीफ के हिसाब से हमने तकरीबन बना लिया है कि ट्राइंगल चाहिए, ठीक है फॉन्ट्स उसने जिस तरह के कहे हुए थे वो चाहिए थे वो लगा दिए हमने, और फॉन्ट जो है मिनिमल सा स्क्रिप्ट बोला था इसने वो कर दिया हमने, गोल्ड और पिंक कलर्स थोड़े से हमने जो पिछले वाले लोगों के दर्जी बात उसी से थोड़ा सा लेते हुए वो हमने कर लिया, तो अब हम इसको वही करते हैं कि ट्राइंगल लेते हैं 1200 बाय 4, ठीक है और अरेंज सेंट टू बैक, ठीक है अच्छा ये ग्रुप है, इसके साथ हमने सेलेक्ट किया सेंटर अलाइन कर लिया, इसका कलर में बैकग्राउंड का व्हाइट कर दूंगा, ठीक है ग्रुप कर लिया, ऊपर की तरफ अलाइन कर दिया कंट्रोल सी कंट्रोल एफ प्रेस किया, और नीचे की तरफ हमने अलाइन कर दिया, ठीक है इसका कलर मैं दे दूंगा ब्लैक, ठीक है और अब हम इसको सेव कर लेंगे, ठीक है पॉप अप बैंडिंग, ठीक है ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस करके हमने इसकी जेपीटी सेव करनी है, ठीक है और यहाँ पे जो हमने 5000 किया था कल वही करेंगे, ठीक है मैंने सेव कर लिया इसको, और अब जाके हम इसको सबमिट कर देंगे कॉन्टेस्ट के अंदर, यहाँ से टैक्स को कॉपी कर लिया सबमिट पे चले गए, यहाँ पे टैक्स पेस्ट कर दिया और
अच्छा, काफी सारे लोगों को, आप लोगों को ये लोगो जो है बहुत ज्यादा सिंपल लग रहा होगा, लेकिन ये कि स्टार्टिंग के अंदर जब हमारा एक बार अकाउंट ओपन हो जाएगा, हम मुश्किल वाले टास्क को चूज किया करेंगे अभी वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए, और ये कि बिगनर जो है उनको समझ में इजिली आ जाए, अकाउंट उनका जल्दी से एक्सेप्ट हो जाए, तो उसलिए हम बिल्कुल सिंपल सिंपल से वाले कर रहे हैं, ठीक है। और एक चीज मेरे पास जो क्वेश्चन ये आया था कि जब अकाउंट बना रहे होते हैं ना, आपने जो मैंने जो अकाउंट बनाने वाली वीडियो डाली थी, ठीक है, उसके अंदर आपने क्या किया था कि पे आउट मेथड के अंदर हमने सेम ईमेल एड्रेस यूज किया था जो कि हमने अकाउंट बनाने के लिए यूज किया है, ठीक है। तो इस ईमेल एड्रेस से आपका पेन ईयर अकाउंट नहीं बना होना चाहिए, ठीक है। और जो भी अकाउंट की डिटेल्स आए डालें तो वो कुछ भी डमी डेटा डाल दें बेशक, अभी पेन ईयर इसका डिजाइन क्राउड का अकाउंट बनाने के लिए, अगर अकाउंट एक्सेप्ट हो जाता है ठीक है डिजाइन क्राउड का, तब तो भले चेंज कर दें। और पेनियर का अकाउंट आपने कब बनाना है, पेनियर का अकाउंट आपने तब बनाना है जब आपका फर्स्ट कॉन्टेस्ट विन हो जाए, ठीक है, उससे पहले आपने नहीं बनाना। वरना क्या होता है, आप इस ईमेल एड्रेस से पेनियर का अकाउंट बना के रख लेते हो और खुदा ना खासा आपका अकाउंट बंद हो जाता है, ठीक है। तो होता ये कि आपका पेनियर अकाउंट जाया हो जाता है, वो अगले अकाउंट में यूज नहीं हो सकता, फिर आपकी जो डिटेल्स पेनियर के ऊपर लगी हुई है, पेनियर का अकाउंट आपका हो गया बेकार। तो आपने ये गलती नहीं करनी, आपने क्या करना है जब आपका फर्स्ट कॉन्टेस्ट विन हो जाए उसके बाद आपने पेनियर का अकाउंट बनाना है। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ लर्न करने का मौका मिला होगा। तो अब कल की वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि ये वाला अकाउंट डिजाइन एक्सेप्ट होता है या नहीं होता। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इस वीडियो से आपने लर्न किया होगा बहुत कुछ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूँ आप लोगों से अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।